हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता शर्मा। आप मुझे देख रहे हैं प्रॉक्सी ज्ञान पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पर यूनिट टाइम पे। स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितने टाइम में किया है, इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। आपको पता है डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, इसलिए स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ये मेयर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको स्पीडोमीटर कहते हैं। और अब देखिए इसकी एग्जांपल कि कैसे निकालें। अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस आपको दिया है 20 किलोमीटर, टाइम दिया 4, और स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, टाइम है 4 hours, तो ये आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। एक आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया अपॉन टोटल टाइम। लेट अस सपोज ए से बी जाने में 20 किलोमीटर, बी से सी जाने में अगेन 20 किलोमीटर, सी से डी जाने में 20 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? दिस 20 + 20 + 20, और टाइम क्या होगा? 1 + 1 + 1। दिस इज एवरेज स्पीड 40 and 60 upon 3। 3 × 2 = 6, इट्स 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई एवरेज स्पीड, जिसमें हम सारे डिस्टेंस का टोटल करते हैं, सारे टाइम का टोटल करते हैं, एंड दिस इज स्पीड। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो सेम है, बट वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करती है। स्पीड वही है और वेलोसिटी भी वही है, बट स्पीड में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है और वेलोसिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगेन क्योंकि डायरेक्शन का रोल है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो होता है उसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, और टाइम का है सेकेंड, इसलिए इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? वेलोसिटी की होगी। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जो वेलोसिटी का चेंज है, रेट ऑफ चेंज है अपॉन टाइम। जैसे एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज क्या हो गया? वी फाइनल। जो वेलोसिटी है वो फाइनल पोजिशन पे कितनी है, वेलोसिटी इनिशियल पोजिशन पे कितनी है अपॉन टाइम। एसआई यूनिट कैसे लिखेंगे? ऊपर क्या है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। लिखा मीटर पर सेकंड, टाइम की क्या है? सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड का इनवर्स। ये अपॉन में है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स हो जाएगा। योर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके प्रीवियस पेपर्स में अक्सर पूछा गया है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको कुछ इक्वेशंस दे दी होंगी और वहाँ से पूछेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या स्टेट करती है, सेकेंड क्या और थर्ड क्या। दीज थ्री इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT². And third equation of motion is v square minus u square equals to 2as। आपको ये तीनों equation of motion याद रखनी है। अब यह जो मैंने वेरिएबल यूज किए ये हैं क्या? अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड t इज द टाइम। s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल है। u अगेन इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है। 1/2 एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। यहाँ पर दोबारा थर्ड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 × एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो अभी इक्वेशन है, अगर आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन करना है, डिराइव करना है, वो भी आपको करवाएंगे। थैंक यू।